अपने जन्मदिन पर माँ का आशीर्वाद लेने क्यों नहीं पहुंच पाए मोदी? जन्मदिन पर इस बार क्यों नहीं दिखी मोदी की माँ के साथ ममतामयी तस्वीर? क्या है इसके पीछे का कारण जो बदल सकता है भारत की तकदीर? मीडिया और वामपंथी चीता पर हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन मोदी तो अपने जन्मदिन पर दूसरा खेल करने जा रहे हैं। अपने 72वें जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी देश को महत्वपूर्ण सौगात देने जा रहे हैं। मोदी का जन्मदिन पूरा भारत मना रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को क्यों रखा है अपने जन्मोत्सव से दूर? जन्मदिन पर दुनिया उपहार लेती है, पर मोदी उपहार देने वाले हैं। ये उपहार बदल देगा देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार, इसलिए मोदी को अपने जन्मदिन पर माँ के आशीर्वाद का करना पड़ेगा इंतजार। मोदी के ये कदम ही उन्हें बनाते हैं विश्व के शीर्ष नेताओं में भी अव्वल, तभी देश की जनता बनाती है उन्हें हर चुनावों में नंबर वन। मोदी की यह सौगात बदल देगी भारतीय व्यापार का स्वरूप, इसलिए जन्मदिन पर मोदी अपनी माँ से है दूर। महान नेताओं की यह आदत होती है कि वे अपने जीवन का खास दिन देश के प्रति समर्पित करते हैं, और नरेंद्र मोदी भी इसी परंपरा का अनुसरण करते हैं। एससीओ समिट में भारत का परचम बुलंद कर प्रधानमंत्री ने आज सर्वप्रथम 70 साल के सूखे को समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में नमीबिया से एक समझौते के अंतर्गत लाए गए 8 चीतों में से बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। इसी के साथ उन्होंने पिछली सरकार की उदासीनता को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा कि 1952 में हमने चीतों को विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक सार्थक प्रयास नहीं किया। आज आजादी के अमृतकाल में देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। मोदी का यह काम राजनीतिक लाभ की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति क्यों हो रही है? कैसे ये चीता कांग्रेसियों की बनाएगी चिता, कैसे ये शेर करेगा विरोधियों को ढेर, जानिए इस वीडियो में। क्योंकि चीता तो सिर्फ ट्रेलर था, मोदी अपनी माँ से इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि असली फिल्म तो शाम 5:30 बजे प्रीमियर होनी थी। अपने जन्मदिन पर मोदी ने देशवासियों को जो सौगात दी है, वो देश की दिशा और दशा को बदल कर रख देगा। मोदी सरकार आज ही नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति ला रही है, जिससे देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। ये नीति कोविड से प्रभावित इकोनॉमी को रफ्तार पकड़ने में मदद करेगी। क्या है ये नीति जो बदलेगी भारत की तस्वीर? जानने से पहले ये जान लीजिए कि भारत में लॉजिस्टिक यानी माल ढुलाई के लिए सड़क और जल परिवहन से लेकर हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना लॉजिस्टिक का काम होता है। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 13-14% हिस्सा लॉजिस्टिक्स पर खर्च करता है, जबकि जर्मनी और जापान जैसे देश इसी के लिए मात्र 8-9% ही खर्च करते हैं। अब इस नीति से ये खर्च 8% पर लाया जाएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 25 देशों में शामिल कराया जाएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी जान लीजिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति से भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, साथ ही वैश्विक रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में सुधार से भारत की वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक केंद्र बनाने में यह नीति मददगार होगी। यानी कि दुनिया भारत को अपना केंद्र बनाकर सप्लाई चेन को स्थापित करेगी। भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, अतः इस क्षेत्र में सुधार करने से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत में 10% की कमी आएगी, जिससे निर्यात में 5-8% की वृद्धि होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। हम रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं? एक तरफ जहां कांग्रेस मोदी को घेरने के लिए उनके जन्मदिन पर आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रही है, वहीं दूसरी ओर मोदी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांति लाकर इस बेरोजगारी के आंदोलन को दिवस को निस्तोनाबूद कर देंगे। नई नीति के मुताबिक लॉजिस्टिक्स से जुड़े सभी मसलों के लिए सिंगल रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा।
वर्तमान में लॉजिस्टिक का ज्यादातर काम सड़कों के जरिए होता है। नई नीति के मुताबिक अब रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जाएगा, जिससे ईंधन का खर्च बचेगा और सड़क जाम से मुक्ति भी मिलेगी। भारत में लॉजिस्टिक का मार्केट $215 बिलियन से भी ज्यादा है। यह मार्केट सालाना 10.5% के कंपाउंड रेट से बढ़ रहा है। इस सब के बावजूद इसका सिर्फ 10-15% हिस्सा ही संगठित मार्केट के अंदर आता है। कारोबारियों का मानना है कि इस बारे में नई नीति के आने से कई तरीके की समस्याएं खत्म हो सकती हैं और लॉजिस्टिक के मामले में भारत अपनी नई पहचान बना सकता है और जर्मनी के बराबर आकर खड़ा हो सकता है। इससे नए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, महंगाई में कमी हो आएगी। कैसे, ये जान लीजिए। आपको हमने पहले ही बताया है कि इस सेक्टर में सिर्फ 10-15% लोग ही संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि जिसके आंकड़े सरकार के पास है। बाकी सारा का सारा उद्योग असंगठित मोड में चलता है। जब इस नीति के आने से ये पूरा उद्योग संगठित क्षेत्र में आएगा, तब सभी लोगों को पक्के रोजगार मिलेंगे, उनको वो सभी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी जो एक एम्प्लॉय को मिलती है। साथ ही साथ ईंधन से जो खर्च बचेगा, उससे चीजों की कीमतों में गिरावट आएगी। साथ ही साथ इस नीति के लिए नए हवाई अड्डों का निर्माण कराया जाएगा, जिसकी संख्या 100 बताई जा रही है। क्योंकि इतनी हवाई अड्डों का निर्माण होगा तो यातायात के साधन सुगम बनेंगे और लगातार भारत के अंदर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही साथ रिश्वतखोरी, करप्शन और जमाखोरी से भी भारत को मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए आज नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मिलने नहीं जा पाए, इसीलिए मोदी की माँ के साथ ममतामयी तस्वीर नहीं सामने आ पाई। क्यों? क्योंकि मोदी के लिए परिवार से ज़्यादा ज़रूरी है देश, देश के लिए रोज़गार, रोज़गार जिससे देश के युवा आगे बढ़ेंगे और भारत विश्वगुरु बनेगा।